जय हिंद दोस्तों, आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के बारे में। कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के बारे में पिछले वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे एपिसोड कंटिन्यू देख कर आए होंगे, तब इस 8th एपिसोड पर पहुँचे होंगे, क्योंकि डायरेक्ट यदि आप यहाँ पे आएंगे तो इस वीडियो को समझ नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ सारे एपिसोड आपने देखे हुए होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के पार्ट फर्स्ट के बारे में, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में। आज हम प्रिवेंट अटैक की उसके बारे में बात पर चर्चा की थी हमने, बेजेंटाइन प्रॉब्लम और जो 51% अटैक उसके बारे में, तो आगे बात करेंगे। लेकिन उसका ओवरव्यू हमने पिछले वीडियो में आपको दिया हुआ है। प्रिवेंट अटैक तो आप समझ ही गए होंगे, 2.3 की कॉन्सेंसस चाहिए होती। कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल यानी कि कॉन्सेंसस बोले तो आम सहमति, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटिंग चैन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में कवर नहीं कर पाया था पिछले वीडियो में। तो आज हम कंप्यूटिंग चैन प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये कंप्यूटिंग चैन प्रॉब्लम दरअसल उत्पन्न कैसे होती है। सपोज कीजिए पाँच नेटवर्क हैं, पांच इंटरनेट हैं, पांच एक नेटवर्क के अंदर पांच नोड्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ। सबके पास अपनी अपनी एक ब्लॉकचेन है। सबके पास देख लीजिए, ए के पास भी एक ब्लॉकचेन है जिसमें फोर ब्लॉक हैं, बी के पास भी फोर ब्लॉक की एक ब्लॉकचेन है, सी के पास भी फोर ब्लॉक की ब्लॉकचेन है, ई के पास भी फोर ब्लॉक की ब्लॉकचेन है और एफ के पास भी फोर ब्लॉक की ब्लॉकचेन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये दरअसल उत्पन्न कैसे होती है इस पर हम चर्चा करते हैं। सपोज कीजिए एक एक नोड ए है, उसने यहाँ पे ब्लॉक माइन किया और तुरंत ही उसी समय, बिल्कुल उसी समय पर एक नोड थी सी, तो ए और सी ने बिल्कुल सेम समय पर सेम ब्लॉक को माइन किया। अब चूंकि वाले जो नोट्स हैं दोनों, जिन्होंने दोनों ने सेम समय पर ब्लॉक को माइन किया, और तो ये दोनों अपनी ब्लॉकचेन में इसको ऐड करना चाहेंगे। लेकिन अब समस्या यहीं पर उत्पन्न होती है कि हम किसके ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करें। तो यहाँ पे चार चार ब्लॉक हैं दोनों के पास, ए के पास भी चार ब्लॉक की एक ब्लॉकचेन थी, और जबकि देखा जाए तो सभी कंप्यूटर के पास फोर फोर ब्लॉक की एक ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पे ए ने एक ब्लॉक माइन किया, ए सोचेगा हम अपने ब्लॉक में, अपनी ब्लॉकचेन में पांच कर लें ब्लॉक और ब्लॉकचेन बना लें। सी कहेगा कि हम अपने ब्लॉक में एक ब्लॉक ऐड करके पांच की ब्लॉकचेन कर लेंगे। प्रॉब्लम यहीं पे उत्पन्न होती है, एक ही समय पर किया है। और एक चीज़ आप मान के रखिए कि सारे कंप्यूटर की जो पावर है, यानी कि कंप्यूटेशन पावर है, वो एकदम सेम है, कोई में किसी प्रकार का भिन्नता या अंतर नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम का सलूशन दरअसल कैसे होगा, यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा जिसकी लॉन्गेस्ट चैन होगी। तो हमें यहाँ पे अब थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि ए के पास, ए ने पहले उसी समय ब्लॉक को माइन किया, सी ने भी उसी समय ब्लॉक को माइन किया, लेकिन ए के पास नजदीक में दो कंप्यूटर थे, कौन कौन, ई और एफ। और तो ये ए सबसे पहले लोगों के पास भेज देगा कि हाँ देखिए हमने, मतलब ये दिखाएगा, वैलिडेट करना पड़ता है ना माइनिंग वाले, मैंने आपको बताया था। तो जैसे ही ये ब्लॉक अपने माइन कर लेगा तो ये एफ को बताएगा, ई को बताएगा। लेकिन सी वाले के पास एक ही कंप्यूटर है, वो सब बहुत, मतलब ये तो एक ही कंप्यूटर को बता पाएगा, हालांकि बताएगा सबको लेकिन बहुत देर लगेगी। लेकिन इसके पास डायरेक्ट दो कंप्यूटर हैं, ए के पास ए ई एफ, तो इसके पास ज़्यादा मेजोरिटी है। और जबकि सी के केस में देखें तो उसके पास बी सी कंप्यूटर्स हैं, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यानी कि ये वाला जो है, इसका मेजोरिटी यहाँ पे ज़्यादा बनना है ए ई एफ वाले का। लेकिन अभी यहाँ पे समस्या सॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा जिसकी लॉन्ग चेन होगी। अब यहाँ पे सबके पास मान लीजिए कम्युनिकेशन हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मान लीजिए अब यहाँ पे एक ना हो करके, अभी मान लीजिए इन्होंने, ए ने एक ब्लॉक जो माइंड किया था, सी ने भी एक ब्लॉक माइंड किया था, अभी सबके पास अपना ब्लॉक भेजेंगे कि देखो इसको वेरीफाई करो। ए ने ई और एफ के पास अपना ब्लॉक भेजा और सी ने सिर्फ बी के पास भेजा। अब ये दोनों ब्लॉक को वैलिडेट करेंगे, ए ई एफ एक तरफ और बी सी एक तरफ। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे दरअसल सबके पास कम्युनिकेशन हो जाएगा आराम से। देख लीजिए सबने बात कर ली है, अब इनको वेरीफाई करना है। समस्या ये कि एक ही समय पर दो ब्लॉक माइंड हुए थे, इसमें से एक अभी भागेगा, यहाँ से डिस्कार्ड किया जाएगा। कैसे डिस्कार्ड किया जाएगा, अब यहाँ पे वेट किया जाएगा और यहाँ पे ये देखा जाएगा कि कौन दूसरा ब्लॉक सबसे पहले माइंड करता है। यानी कि अब एक और ब्लॉक ए और सी को माइंड करने पड़ेंगे, उस ब्लॉक को जो दूसरा वाला ब्लॉक होगा ए और सी का, वो जो सबसे पहले माइंड करेगा उसे यहाँ पे उस ब्लॉक को सारी ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाएगा और सी को वहां से निकाल दिया जाएगा। चूंकि ए के पास नेटवर्क ज्यादा है, कवरेज ज्यादा है, ए ई एफ है, जबकि सी के पास बी ई है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ए ई एफ वाले जल्दी माइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटेशन पावर तीन कंप्यूटर की मिल रही है, यहाँ पे दो कंप्यूटर की कंप्यूटेशन पावर ही मिल रही है।
नेक्स्ट में केस में क्या होगा कि AEF यहाँ पे ब्लॉक को माइन कर लेंगे, फटाफट दो ब्लॉक अपने माइन कर पाएंगे, जबकि यहाँ पे जो बी और सी होंगे वो एक ही ब्लॉक माइन कर पाए होंगे। जब तक यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे दो ब्लॉक ये माइन कर लेता AEF, तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा कि अब जो ब्लॉक जो ब्लॉकचेन में जोड़े जाएंगे वो ए के दो जो ब्लॉक माइंड किए वो ही जोड़े जाएंगे, ना कि बी और सी के, क्योंकि इन्होंने दूसरा जो ब्लॉक माइंड करने में ए से पहले सी ने ब्लॉक को माइंड नहीं कर पाया, जबकि ए ई एफ चूंकि ज़्यादा कंप्यूटर थे, तीन कंप्यूटर थे, ये दो ही थे, तो उसने दोनों दूसरा ब्लॉक पहले माइंड कर लिया। तो यहाँ पे कन्फर्म ये क्या निकलता है कि सबसे बड़ी ब्लॉकचेन किसकी हो गई, सबसे बड़ी ब्लॉकचेन हो गई ए की। अब यहाँ पे बराबरी की बात आ जाती है, बराबरी की बात यहाँ पे नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे ए के पास छः ब्लॉक की ब्लॉकचेन हो गई, एफ के पास छः ब्लॉक की ब्लॉकचेन, ई के पास छः ब्लॉक की ब्लॉकचेन, सिक्स ब्लॉक की ब्लॉकचेन, जबकि बी और सी के पास सिर्फ फाइव ब्लॉक की ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे जो सेकेंड ब्लॉक जिसने पहले माइन किया उस पर देखा जाता है, तो यहाँ पे पहला ब्लॉक माइन किया उसमें संघर्ष हुआ, उसके बाद जब सेकेंड ब्लॉक जिसने पहले माइन किया आप उसी के पक्ष में ये निर्णय लिया जाएगा। फाइनली यहाँ पे होगा क्या, होगा कुछ नहीं कि यहाँ पे जो ये ब्लॉक होंगे, ये देखिए जो सी था, सी ने अपना ब्लॉक को त्यागना पड़ा है, और उसमें उसके ब्लॉक में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सब कंफर्म नहीं होंगे, वो सब ब्लॉक बेकार ट्रांजेक्शन चले जाएंगे, कोई कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। फाइनली क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ सभी के ब्लॉक में वही वाले ब्लॉक जुड़ जाएंगे जो ए ने माइंड किए थे, देख लीजिए सबके पास वही ब्लॉक हो गए, और जो ये बैंगनी वाला यानी कि वायलेट वाला रंग का ब्लॉक था सी और बी के पास वो हटा दिए गए हैं, उन ब्लॉक को यहाँ से बाहर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सारे के सारे ब्लॉक थे वो यहाँ पे जुड़ चुके हैं जो ए ने माइंड किए थे, जबकि सी ने जो ब्लॉक माइंड किए थे वो यहाँ पे जोड़े नहीं गए हैं, उनको यहाँ से हटा दिया गया है, और जो ब्लॉक यहाँ से हटाया जाता है उसको हम ऑर्फन ब्लॉक कहते हैं, और ये देखिए यहाँ से हटाया जा चुका है, यानी कि जो भी ब्लॉक की माइनिंग सी ने की होगी जितने भी ट्रांजेक्शन उसमें एड होंगे वो सारे बेकार चले जाएंगे, वर्स्ट चले जाएंगे, क्योंकि ए वाला ही सब में अब ब्लॉक जो थे वो जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ के पास वही ब्लॉक हैं जो ए ने माइंड किए थे, सी वाले ब्लॉक हट चुके हैं, हटा वाला ब्लॉक ऑर्फन ब्लॉक कहलाता है।